हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कोटक महिंद्रा के डेबिट कार्ड के कैसे हम पिन घर बैठे ऑनलाइन बनाएंगे, तो चलिए इस वीडियो से हम सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र या गूगल जो भी ब्राउज़र है वहाँ पर आपको टाइप करना है कोटक महिंद्रा पिन जनरेशन। तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और अब आपको सर्च करना है। सर्च जैसे ही करेंगे एक पेज ओपन हो के आएगा, देखिए जनरेट पिन फॉर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पर देखिए आपके पास डेबिट कार्ड करना है तो यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे आप। इसके बाद कौन सा है भेजा मास्टर कार्ड, वहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे। यहाँ पर 16 अंक का नंबर टाइप करना है जो आपके ATM के ऊपर दिया गया है, उसको अच्छी तरह से टाइप कर लेना है। जैसे टाइप करेंगे इसके बाद यहाँ पर मंथली दिया गया है कब आपका ATM एक्सपायर होगा, तो यहाँ पर मंथली और ईयरली दोनों इंटर करेंगे। और ATM कार्ड के बैक साइड 3 नंबर का CVV नंबर होता है तो उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। इसी तरह से आप इंटर कर दीजिएगा और आपको 6 अंक का पिन बनाना है, ATM पिन जो आपको याद रखना है। तो मैंने इस तरह से बनाया, आप भी डिफरेंट बनाइएगा और यहाँ पर कन्फर्म कर देना है आपको। तो आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, एक बार अच्छी तरह से आप चेक कर लेंगे। और जैसे यहाँ पर कंफर्म को ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP सेंड हो जाएगा। सेम OTP यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही आप OTP डाल के सबमिट करेंगे आप, तो आपका है सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पर बता दिया गया, आपका ईमेल पे भी मैसेज चला जाएगा और मोबाइल नंबर पर भी। हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।